नमस्कार, आप देख रहे हैं आरघट न्यूज फॉर पटना सिटी से है। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर अपराधियों की धर पकड़ की जा रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने हथियार समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यहां आलमगंज थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने क्या कुछ बताया, देखे इस रिपोर्ट में। शिवम नाम का व्यक्ति लड्डूखड़ा से घर जा रहा था, उसी क्रम में जो है 3 व्यक्ति R15 मोटरसाइकिल से और उनका मोबाइल कोई झपटकर भागने लगे। उसी क्रम में वहां पर पुलिस जो मौजूद थी उससे खदेड़ कर उसको पकड़ लिया गया, जिसमें एक का नाम शुभम कुमार, दूसरा का नाम बिकू कुमार, जो दोनों दीवान मोहल्ला खाजीलग रहने वाले हैं, और तीसरा जो है मोहम्मद आमिर बेलबरगंज से रहने वाले हैं। और इनके पास में से छीना गया मोबाइल और उनके जो यूज किया हुआ गाड़ी था उसको बरामद किया गया है। इसी प्रकार से कल आलमगंज थाना अंतर्गत दरफाबाद नहर के पास से 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक देसी कट्टा तथा एक गोली तथा दूसरे के पास से 2 गोली बरामद किया गया है। और उनका नाम मनोज कुमार उर्फ गुंगवा है, दूसरा का नाम है छोटू कुमार है, दोनों गुड़की मंडी के रहने वाले हैं और हाल ही में जेल से छूटकर आए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है। इन लोग कहाँ से अरेस्ट हुए थे सर? अरफाबाद नहर से 2 जो हथियार के साथ जो है अरफाबाद नहर के पास से गिरफ्तार हुए थे और बाकी NMCS के पास।